बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा, गृहमंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा, 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में वे रोड शो करने वाले हैं और रात में छिंदवाड़ा में ही अमित शाह रुकने वाले हैं। तो छिंदवाड़ा में रात बिताएंगे अमित शाह। 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा अमित शाह पहुंच रहे हैं, 19 तारीख को यहां पर वोटिंग है, वोट डाले जाएंगे। और छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट जो कांग्रेस के पास थी पिछली बार, लेकिन बीजेपी की मंशा यही है कि 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए और एक सीट जो पिछली बार बाकी रह गई थी 29 के 29 कमल खिलाना है मध्य प्रदेश में। और इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह का रोड शो होने वाला है और रात भी छिंदवाड़ा में ही अमित शाह बिताने वाले हैं। इससे आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा के लिए बीजेपी का बना हुआ है। दरअसल अमित शाह जो है छिंदवाड़ा पहले भी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका दौरा रद्द हो गया था। लेकिन अब जब अमित शाह छिंदवाड़ा एक बार फिर से 16 अप्रैल को उनका आने का कार्यक्रम बना है, तो इसे समझ लीजिए कि रात भी अमित शाह छिंदवाड़ा में ही बिताने वाले हैं। इससे बीजेपी कितने प्रयास छिंदवाड़ा को जीतने के लिए कर रही है, इनका भी पता चलता है। पूरा जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है छिंदवाड़ा के गढ़ को फतह करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गुरमीत कौर धनई ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है और पार्टी पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा भेजा है। आरोप है उपेक्षा की, पार्टी करती है उपेक्षा, इसीलिए वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से वैसे तो तमाम नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, कई सारे नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। कई वजहें बताई गई हैं, उनमें छत्तीसगढ़ में तो जो इस्तीफे का दौर जो चल रहा है उसमें कांग्रेस के नेता बार बार यही अब बात और यही आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई और इसी वजह से वो पार्टी में अब काम करना नहीं चाहते। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को गुरमीत कौर धनई ने इस्तीफा भेज दिया है। तो दुर्ग से आते हैं और कांग्रेस को एक बड़े झटके के तौर पर इसे माना जा रहा है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी? अमित कौर धनई ने आज ही इस्तीफा दिया है और इस्तीफा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को सौंप दिया है। लंबे समय से उपेक्षा का उन्होंने ये आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि वे पूरे निष्ठा भाव से कार्य कर रही थी, 1997 से लेकर आज तक वे कांग्रेस से जुड़ी रही, उनके हर दायित्व जो मिले हैं उनका निर्वहन करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उनकी उपेक्षा की और यही वजह है कि आज उन्होंने परेशान होकर आज इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। गुरमीत कौर धनई एक महिला नेत्री और दबंग महिला नेत्री के रूप में जानी जाती थी और इन्होंने कई महत्वपूर्ण ये जो इन्होंने जिम्मेदारियां भी संभाली है, खेल जगत से भी ये ताल्लुक रखती हैं, पीसीसी डेलीगेट रही है, ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी प्रदेश से गई थी और ऐसे कई खेल जो थे जिसमें ये शामिल रही थी और काफी अच्छा नेतृत्व करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पे एक बड़ा लोकसभा चुनाव के पहले एक झटका लगा है पुनीत, और निस्संदेह इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनको मिली हुई थी इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव का दौर चल निकला है और पूरी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता अपने पार्टी को मजबूत करने में। मैंने पहले ही कहा, रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कांग्रेस की दुर्गति के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार बताया और राहुल गांधी को रणछोड़ बताया। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि उनको पता कब रायबरेली ही नहीं जीतने वाले। बोलो सही बात है कि नहीं? राज्यसभा में पार्टी की दुर्गति तो देखो, तो उनकी सर्वोच्च नेता
अब चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही क्योंकि उनको पता है कि अब हारने वाले हैं। राहुल गांधी कहां से लड़ते थे बताओ, जोर से बोलो। अमेठी से अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या? अमेठी में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर पाई क्या? प्रियंका गांधी जिसका तुम लड़ लो तो वो भी कहेंगे नहीं, हम तो प्रचार ही करेंगे। अब जिस पार्टी की हालत हो जाए, कल्पना तो करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, गंभीरता तो सोचो कि उनका नेता जो दुनिया भर में जिताने के लिए जाता है वो खुद ही नहीं जीत रहा और मैदान छोड़ के भग गए। रण छोड़ दास हमें दीजे बाय नाट काय की पार्टी रे भैया, ये कोई पार्टी है क्या जिसके नेता ही में इतनी दम नहीं है। जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस और पूरे देश के लिए राहु बन गए हैं, देश के लोग उनको एक एक कर लोकसभा से भगा रहे हैं, अमेठी वायनाड से अब कहां भगा दिए जाएंगे, राहु से हर कोई बचना चाहता है। राहुल गांधी बस्तर में आए थे, बीजेपी अपने घर बस्तर का शुद्धिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी राहु बन गए, देश के लिए बन जाएंगे, अब तो वो देश के लिए भी बन गए। जिस तरीके से वक्तव्य जारी कर रहे हैं, देश के लोग उनको एक एक लोकसभा क्षेत्र से भगाते जा रहे हैं, अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग रहे हैं, आने वाले समय में वायनाड छोड़ करके वो कहाँ भागेंगे, जनता उनको यहाँ से भगाने की स्थिति में है। और ये राहु से हर कोई बचना चाहता है, ये राहु आए तो उसके बाद में घर का शुद्धिकरण किया जाता है, हम लोग भी बस्तर में शुद्धिकरण करेंगे। जगदलपुर में कांग्रेस नेता बलराम मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके साथ 100 समर्थक भी बीजेपी के साथ आ गए जिसमें महिला जिला सचिव और कई सरपंच शामिल हैं। मंत्री केदार कश्यप ने गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बलराम मौर्य ने कांग्रेस पर अनदेखी के आरोप लगाए, बताएं कि कल राहुल गांधी की सभा में मंच पर बलराम मौजूद थे और शाम को उन्होंने कांग्रेस को नमस्ते कर दिया कमल के साथ। चलिए चलो।